जी अजीज साहब, पेश कीजिए आज का ताजा तरीन मुखबरनामा। लो जी, मुखबरी ये है, चंद महीनों तक बहुत अहम तब्दीली आने वाली है। ये बात तुम पिछले कई महीनों से कहते चले आ रहे। जी जी अब जो बात उड़ी है ना, वो इरा और अनोखी टाइप की है। अच्छा जी, अब वो कौन सी अनोखी टाइप है? जहांगीर करामत। यार जहांगीर करामत का नाम भी ना मैं को पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ लगातार। यानी ये पुरानी बात हम सुन रहे हैं कि अमरीकी आशीर्वाद से जहांगीर करामत जो है वो दो तीन साल को एक सिविलियन सेटअप को हेड करेंगे। अच्छा, और अल्लाह तेरी खैर करे, फोड़े फिंसी का तो खुद ही से आना है। और उनको सपोर्ट जो है वो फराहम करेगी पाक फौज। ये वही है ना भाई साहब जिनको नवाज शरीफ ने कहा था भाई जी गल सुनना चले जाओ। ये वही है ना जी? बिल्कुल वही है। उसके बाद जहांगीर करामत अमरीका चले गए, लगातार एक थिंक टैंक के साथ वाबस्ता है और बड़े पढ़े लिखे जर्नैल हैं, और महज जर्नैल ही नहीं है, कुछ दानिश्वरी का थोड़ा बहुत सिलसिला भी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ भी एक थिंक टैंक है, उसके भी बड़े अहम मेंबर हैं। उनको लाने की तैयारी तो पता नहीं है कि नहीं, ख्वाहिश बहुत है, एक तबका है उसकी। अच्छा। मैं फिर घर चला जाऊं, तुम बातें कर। यार तुमने मुखबरी दी है, मैंने मैं तो सिर्फ हल्का सा बैकग्राउंड उनसे थोड़ा सा। ये सारी बातें मैंने सुनानी थी जो खुद तकरीर करनी शुरू कर देते हो तुम। सच सच बताओ, ये सारी बातें तुम्हें पता थी? यार मैंने कोई अद्धी पचद्धी तो कारी लेनी थी ना, तुम खुद ही बोलना शुरू कर देते हो, मैं इधर भुजी मकई बेचने आता हूँ। अच्छा, पुजी चीजें बड़ी बेचता है। तुम पता है कहाँ के जहांगीर करामत साहब? पाकिस्तान के हैं यार। नहीं, किस शहर के हैं, किस जिले के हैं? अच्छा अच्छा जिला तुम्हारे करीब करीब है बिल्कुल। ये अपना जो है यार जेलम है, ये सियालकोट से। हेलो, उन्होंने आते ही पहली तकरीर पता क्या करनी है? क्या बात सुनो मेरे अजीज हम वतनों, मैं अब वापस आ गया था हूँ, तो अब सारे सिद्धे पदरे हो जाए, तो नहीं तो मैं हूं तो नरम मिजाज ही, मगर मुझे पिछली तप बड़ी चढ़ी हुई है। लो जी, अगली मुखबरी ये है कि सिंध की एक इंतहाई अहम शख्सियत ने शादी कर ली है। इसमें क्या मुखबरी है और इसमें क्या सनसनीखेजी, जितना तुम मुंह बना रहे हो शादी करने की। सनसनीखेजी सुनाई ना, तुम्हारी कलाबाजी लग जाएगी। चलो बार बताओ। ये जो उन्होंने शादी की है ना, ये उनकी चौथी शादी है। ओए, चौथी? जी जनाब, पहले 3 शादियां वो कर चुके हैं। ये भी वैसे कोई इतनी ज्यादा सनसनीखेज नहीं है। कौन सी? ये एक चौथी शादी है, मतलब सिंधी वडेरे जो हैं वो यहाँ के भी, पंजाब के, सिंध के, ये करते हैं। यार तुमने मुखबरी सुननी है या बहस करनी है मेरे साथ? नहीं, मैं बहस नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता दो कि ये हैं कौन जाते शरीफ। वही बात कर रही है, इनका नाम है जी काका कुवाड़ी। क्या काका कुवाड़ी? ये क्या बेहुदा सा नाम है, अदा बगयाड। ये उनका नाम है? थोड़ी सी सिंधी जरूर इसने इस्तेमाल की, अदा का। अच्छा चलो यार, चलो मुखबरी कंप्लीट करो, बाद में देखें। नहीं, ये नाम पूछना है मुझसे तुम? हाँ पूछूंगा। नहीं फिर मैंने नहीं सिलाना। अच्छा नहीं, नहीं पूछते सर प्लीज, मेरा फायदा क्या? नहीं नहीं पूछते ना, पहले मुखबरी तो सुन ले। चलो आप मुखबरी सुना दे। चौथी शादी ये सरकार ने की है, और ये शादी उनके एक इंतहाई करीबी बंदे ने कराई है। अच्छा, जो उनका ग्लास फेलो है। ग्लास फेलो? यार ये देखो, ग्लास फेलो, ग्लास फेलो कह रहा है ये पीने पिलाने की बात नहीं, वो जो तुम समझ रहे हो ना विस्की वुस्की वाला चक्कर, वो नहीं है। वो फिर क्या? भंग फेलो है। ओ माय गॉड, वो भंग भी भंग पीते हो? काफी तगड़े तगड़े लोग भंग पीते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है भंग सिर्फ मलंग पीते हैं? अब तक तो यही ख्याल था मेरा भी। अच्छा बाकी भंग पीते हैं? ये तुम भंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हो या चौथी शादी में? मैं दोनों में, ऑनेस्टली मैं दोनों में हूँ। दोनों बताओ, मतलब मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन साहब है और ये चौथी शादी उन्होंने किन सर्कमस्टेंसेस में की है। साहब सूब का तो मैंने नहीं बताना, पंगिए हैं वो। जैसे थड़ी ये नहीं होता। अच्छा चलो, ऐसे पंगिए भी होता है। अच्छा अच्छा, और चौथी शादी उन्होंने कर ली है। अच्छा, और उसको इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया, अभी तक तो उन्होंने ये सारा कुछ सीखा राज में रखा हुआ है। अच्छा, अभी तक तो उनको जो भी दोस्त पूछता है ना, सही है क्या बात है, वो आगे से कह रहे नहीं सही बाबा, माफ करेंगे।
बाबा गलत खबर है। अच्छा 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 छोड़ो ना मुझे। अदा गलत बात ना करियो। अच्छा ओ करियो ओ बात सुनो प्लीज। या तो हिंट दे दो कोई या फिर मुझे इजाजत दो मैं कुछ हिंट दे दूं क्योंकि मुझे समझ ना। हिंट दे दो जब भी तुम कहते हो हिंट दे दो मेरा दिल करता है तुम्हें इधर से कसौन दे दूं। नहीं 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 तुम मेरी बात सुनो यार छोड़ दो इस बात। अच्छा, को ये तो बता दो कि हुकूमती शख्सियत है या अपोजिशन की। यार मैं ये क्यों बताऊं भाई तुम मुझे ये पहले बताओ। तुम मत बताओ मैं गेस करता हूं। सर ओ इतने बड़े जीवन सागर में पाकिस्तान ओला। ओ इतने बड़े जीवन सागर में पाकिस्तान ओला ओला ओला। ब्रेक स्टे विद अस। Ne 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 ne